गांधी परिवार पर चली आ रही ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस का गुस्सा सरकार पर फूट रहा है। प्रदर्शन के साथ ही कांग्रेस मध्य प्रदेश में हुए व्यापम घोटाले की जांच की मांग केंद्र सरकार से कर रही है। मांग पर कांग्रेस का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार गैर भाजपा शासित राज्यों में कार्रवाई फटाफट कर देती है, जिसका उदाहरण पश्चिम बंगाल में हुई शिक्षा मंत्री पर ईडी की कार्रवाई के रूप में सामने है। लेकिन वहीं भाजपा शासित राज्यों में हुए घोटाले पर मोदी सरकार कुछ नहीं करती, जिसकी वजह से शिवराज सरकार के कार्यकाल में हुए व्यापम घोटाले पर कोई नतीजा अब तक सामने नहीं आया है। बड़ी संख्या में मौजूद है और आप प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आज मना पूरा प्रदेश परेशान है महंगाई को लेकर और मना भ्रष्टाचार को लेकर, पर सरकार ने कहा था महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार कम पर महंगाई दुगना होगी, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, आपकी गैस महंगी, आम आदमी परेशान है, पर बीजेपी ये मुद्दे भुनाने के लिए विपक्ष के ऊपर बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और राहुल जी सोनिया जी को बदनाम करने का तरीका निकाला है। वहीं जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए कहा है कि देश में जांच एजेंसियों को गुलाम बनाया जा रहा है। वहीं जीतू पटवारी ने ईओडब्ल्यू के द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के क्लर्क हीरो केजवानी के ऊपर की गई कार्रवाई पर कहा है कि क्लर्क की नौकरी 4,000 रुपए महीने से चालू हुई, उसके पास 85 लाख रुपए केस मिले हैं, फिर सोचे कि विभाग के मंत्री के पास कितना पैसा निकलेगा, इसकी भी जांच होना चाहिए। पेंशन बुजुर्गों का अनुदान इस सरकार ने देना चाहिए, लक्षण है नीरो इस तरह के। जब सरकार निर्णय लेती है, कदम उठाती है, इसका मतलब है वो दिवालिया हो रही है, देश दिवालिया हो रहा है। देश की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने एक श्वेत पत्र आर्थिक मुद्दों पर देश के सामने लाना चाहिए। महंगाई संसद में 25 सांसदों ने कहा नहीं है, आपको महंगाई नहीं दिखती, मीडिया को महंगाई दिखती है, आम आदमी को दिखती है, इन तानाशाहियों को नहीं दिखती। बिल्कुल जैसा मैंने कहा कि पन्ना कलेक्टर को कोर्ट ने कहा कि आप गुलाम हो, पन्ना कलेक्टर को कोर्ट ने कहा कि आपको कलेक्टर लेने रहने लायक नहीं हो, पन्ना कलेक्टर को ये कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री के नौकर के रूप में काम कर रहे हो, आप प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में काम नहीं कर रहे। ऐसे जितने अधिकारियों ने जहाँ जहाँ हरकत की उसकी सूची बनाई गई है, थोड़े दिन में पब्लिश भी की जाएगी और फिर जब सरकार आएगी जब हिसाब भी पूछा जाएगा। तंत्र को बचाना कांग्रेस का धर्म है, लोकतंत्र को बचाना जनता और पूरे राजनीतिक दलों का धर्म है, मीडिया का भी धर्म है, तो ये चुनौती देश के सामने। जीतू पटवारी के बयान को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार नेहरू परिवार करे और आरोप बीजेपी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। नेहरू परिवार पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार के खिलाफ 10 साल बाद सबूत मिले हैं, जिसके बाद ईडी ने कार्रवाई की है। वहीं सारंग ने कहा कि हेराल्ड मामले में नेहरू परिवार ने सरकार को गुमराह किया है। कलेक्टर के खिलाफ क्या टिप्पणी हुई है कोर्ट में, ये अलग विषय है, पर केवल जीतू पटवारी नहीं, कमलनाथ की शब्दावली हो, दिग्विजय सिंह की शब्दावली हो, वो हर समय यही कहते आए, चुनाव आप हारते हो, जनता आपको नकारती है, और ठीकरा आप कभी ईवीएम पर फोड़ देते हो, कभी चुनाव आयोग पर फोड़ देते हो, कभी अधिकारी कर्मचारियों को फोड़ देते हो। लोकतंत्र में इस तरह की शब्दावली आपका घमंड प्रदर्शित करती है। लोकतंत्र की एक व्यवस्था है, लोकतंत्र में जनता के बीच में चुनाव में जाकर आपको सरकार में आना है या नहीं आना, ये जनता निश्चित करती है, पर जो कार्यपालिका है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वो किसी सरकार के नहीं होते, वो निष्पक्षता के साथ काम करते हैं। और जीतू पटवारी जी भूल रहे हैं कि इस देश में अधिकतर समय
उनकी और नेहरू परिवार की सरकार रही है, तो क्या ये उस समय भी होता था? बात तो है कि देश में हो रही कार्रवाई के बाद भ्रष्टाचार करने वालों के नाम सामने आ रहे हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, लेकिन बात यहाँ इतने पर ही खत्म नहीं होती। इन कार्रवाई के बाद सरकार ने उन्हें सजा दिलवाकर नजीर पेश करना चाहिए, नहीं तो किसी बात पर कोई मतलब नहीं निकलेगा। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।